दोस्तों, लगातार लैपटॉप यूज करना या मोबाइल यूज करना और उसके जो स्क्रीन की लाइट है उसके कारण आपके आँखों में अगर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, हेडेक होती है, तो क्या ये लक्षण आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है या कोई बीमारी से आप ग्रसित होने वाले हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आप एस्थेनोपिया यानी कि आई स्ट्रेन नामक बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एस्थेनोपिया या जिसे आई स्ट्रेन कहा जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आई स्ट्रेन या एस्थेनोपिया को खत्म करने की होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आई स्ट्रेन या एस्थेनोपिया क्या होता है। दोस्तों, लगातार अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो उसके जो लाइट होते हैं, स्क्रीन के डिस्प्ले के जो लाइट होते हैं, वो आपके आँखों के जो मसल्स होते हैं उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। या अगर आप लगातार ड्राइविंग कर रहे हो या लगातार आप मूवी देख रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो भी नज़दीक से, तो उससे भी आपको आँखों पे एक लगातार कांस्टेंट वे में आपकी आँखों के मसल्स होते हैं उस पर एक पैरलर इफ़ेक्ट पड़ता है, एक स्ट्रेन पड़ता है जिससे आपकी आँखों के मसल्स पे दबाव होता है, यानी कि उसमें थकान हो जाती है, यानी कि आपकी आँखों के जो मसल्स है उसमें थकान होना, फटीग होना ही एस्थेनोपिया या आई स्ट्रेन कहलाता है। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लगातार ड्राइविंग करते हो, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो, हमेशा स्ट्रीट वे में आप उसे देखते रहते हैं, इससे आपकी आँखों पे लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। ये प्रोलॉन्ग्ड लुकिंग करने के कारण ऐसा हो सकता है। या अगर आप लगातार घंटों घंटों तक लैपटॉप पे काम कर रहे हो या मोबाइल पे वर्क कर रहे हो, उस कारण से भी आपके आँखों के मसल्स पे दबाव पड़ता है, इससे भी आपको आई स्ट्रेन या एस्थेनोपिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें वो आँखों पे थकान लगेगी, आँखों के ऊपर भारी भारी लगेगा, हेडेक होता है, आपके आँखों से आंसू भी आने लगते हैं और आपके जो पढ़ने की जो वर्ड होती है, आप अगर कोई बुक वगैरह पढ़ते हो तो उसमें जो लेटर होते हैं वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। या अगर आप ज़्यादा देर तक आप मोबाइल का या लैपटॉप का यूज करते हैं तो उसके जो लेटर होते हैं वो धुंधले दिखाई देने लगते हैं, आपको वो आसानी से नहीं दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप आँखों को प्रेस करते हैं, आँखों को सहलाते हैं या पानी से धोते हैं, उसके बाद आपको फ्रेश लिखावट दिखाई देती है, लेटर फ्रेश दिखाई देने लगता है, आपको हेडेक होने लगेगा, आपको आँख से आंसू आने लगेंगे, आँखों के ऊपर थकान रहेगा, आँखों में दर्द भी होने लगेगा और साथ ही साथ आपकी आँखें लाल हो जाती है और आपके जो लेटर है मोबाइल का या किताब का, जो भी जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, वो धुंधले नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम्स। हम बात करते हैं कि इसको आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी में मात्र दो मेडिसिन से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है नेट्रम मयूर। दोस्तों नेट्रम मयूर में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक ड्राइविंग करते हो या लैपटॉप पे काम करते हो या मोबाइल पे काम करते हो, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कतें होती है, लेटर्स आपको ढंग से दिखाई नहीं देते हैं, एक लेटर ऊपर नीचे जिग जैग की तरफ दिखाई देता है, आपके जो अक्षर है वो धुंधले दिखाई देते हैं, क्लियर नहीं पता चलता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर अक्षर आपको दिखाई देने लगता है, जिग जैग पोजीशन में आपको दिखाई देता लगता है। इसके अलावा आपको सर दर्द बना हुआ रहता है और आँखों में भी दर्द होता है, लैक्रिमेशन यानी कि आंसू भी आने लगते हैं। उस कंडीशंस में आपकी आँखों के मसल्स जो होती हैं, रेक्टाइल मसल होती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, उस कंडीशंस में आप नेट्रम मयूर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेट्रम मयूर को 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। दोस्तों ये कुछ दिनों तक लेने से आपकी प्रॉब्लम्स हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है एमोनियम कार्ब। दोस्तों एमोनियम कार्ब में ये देखा जाता है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो लाइट से एग्रावेट करते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक आप लैपटॉप या मोबाइल का यूज करते हैं तो उसकी लाइट से आपके आँखों में दर्द होने लगता है, आपके आँखों में जलन होने लगता है और आपके आँखों से आंसू निकलने लगता है और साथ साथ हेडेक होने लगता है। तो उस कंडीशन में आप एमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है। दोस्तों ये दो दवा के साथ साथ होम्योपैथी में एक आई ड्रॉप आती है सिनेरिया मैरिटिमा, मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ, जो कि जर्मन कंपनी की आती है, इसकी 2 ड्रॉप्स आपको अपने आँखों में डालनी है, सुबह और शाम डालनी है। ये जनरली अगर किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे एस्थेनोपिया हो या आई स्ट्रेन है या आपके आँखों से आंसू आ रहा है या आपको कैटरेक्ट की भी प्रॉब्लम है, तो इस आई ड्रॉप को यूज करने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों मेडिसिन यूज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आँख एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का। दोस्तों दवा लेने से पहले आप कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही दवा ले सकते हैं, या अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या दवा घर बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर 9534496107 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी दवा घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं, होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो देख करके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।